थोड़ी दूरी पर दिखाई देते हैं। एक समय यहाँ की सुंदरता देखने लायक हुआ करती थी, लेकिन आज भी राजा महाराजाओं की बनाई गई इमारतें उनकी यादें हमें दिला देती हैं। जब इसमें आग डाली गई तो जब ये तोप चली तो आसपास के 36 किलोमीटर की चारों तरफ की एरिए में जितनी भी महिलाएं गर्भवती थीं, उनके गर्भ गिर गए, जिसके बाद राजा को बड़ा दुख हुआ, जिसमें शत्रु सैनिक गिर जाया करते थे और उनकी मौत हो जाया करती थी। अभी तो दीवारें लगा दी गई है क्योंकि कई लोग कमरे समझकर इसके अंदर चले जाते थे और कुएं में गिर जाती थी। यहाँ आइए तो यहाँ पर आप देखोगे जो इतना गहरा कुआ है कि इसकी गहराई का पता लगाना मुश्किल। 400 वर्ष पहले भी जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनकी भगवान में काफी आस्था थी, और वो भी हर एक किले महल में बावड़ी के पास में ही भगवान शिव के मंदिरों को बनवाया करते थे। बुंदेलखंड राजा रजवाड़ों की भूमि मानी गई है। यहाँ पर कदम कदम पर बुंदेलों का शौर्य बिखरा पड़ा हुआ है। कहीं ये गुमनाम हवेलियां तो कहीं ये वीरान किले आज हमें बुंदेलखंड पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर दिखाई देते हैं। एक समय यहाँ की सुंदरता देखने लायक हुआ करती थी, लेकिन आज भी राजा महाराजाओं की बनाई गई इमारतें उनकी यादें हमें दिला देती हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम आपको लेकर के आए हैं मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले की बलदेवगढ़ तहसील में, और हमारे पीछे लगा हुआ है ये बलदेवगढ़ का किला जो मध्य प्रदेश का सबसे सुरक्षित किला माना जाता है। सर्वप्रथम हम देखेंगे तो दोनों तरफ ये अष्ट धातुओं से बनी हुई तोपें रखी हुई हैं, तो दोनों तरफ ये तोपें देखने को मिलेंगी, जो कि इस किले की पहचान तोप से भी की जाती है क्योंकि यहाँ पर भारत की दूसरी सबसे खतरनाक तोप बताई गई है जो चलती थी तो औरतों के गर्भ गिर जाते थे, इसका नाम भी गर्भ गिरावन तोप है। तो आइए यहाँ से अब हम किले के अंदर एंट्री लेते हैं। आइए, यहाँ पर आपको सामने बोर्ड भी दिखाई देगा बलदेवगढ़ का किला, और यहाँ से हम एक मोड़ लेंगे तो सामने इसका हमें दरवाजा दिखाई देगा, जो कि इसमें दो दरवाजे बनाए गए थे, एक पहाड़ी को काटकर उस तरफ और एक ये शहर में आने जाने के लिए। तो देखोगे काफी बड़ा दरवाजा है, ऊपर भी सैनिकों के खड़े होने की जगह है और इस तरफ भी सैनिक ऊपर खड़ा रहा करते थे, इस गलियारे पर नजर रखा करते थे। यहाँ पर एक समय बहुत बड़ा विशाल गेट रहा करता था, लेकिन वर्तमान में अभी नहीं है। दोनों तरफ सैनिक बैठकर इस गेट की सुरक्षा किया करते थे। यहाँ पर छोटे छोटे कुछ कक्ष आपको देखने को मिलेंगे जिनमें सैनिक बैठा रहा करते थे, ताकि काफी सैनिकों की जो टुकड़ी थी यहाँ रहा करती थी और समय समय पर गेट की सुरक्षा किया करती थी। इस तरफ देखोगे तो इस तरफ भी एक महल हमें दिखाई देगा, और इस तरफ बलदेवगढ़ का पूरा किला जो काफी बड़ा है जो हमें दिखाई दे रहा है, और अभी हम इसी के अंदर आपको लेकर चल रहे हैं। हम इस महल के अंदर जाएंगे और प्राचीन बावड़ी दिखाएंगे जो देखने में एक अद्भुत रहस्यमय है। आइए, यहाँ पर ये भाई हमें बावड़ी की तरफ ले जाएंगे, तो एक छोटा सा रास्ता यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है। इस लकड़ी के गेट को हम पार करेंगे, ये 400 वर्ष पुराना राजा महाराजाओं के समय का गेट है। आइए, यहाँ से एक छोटा सा गलियारा हमें दिखाई दे रहा है और उस समय का ये दानाल हमें दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से हम आ चुके हैं इस बावड़ी के अंदर, तो लगभग दो दानालों को पार करने के बाद अब हम आ चुके हैं इस बावड़ी के अंदर, यानी कि यहाँ से नीचे आपको बावड़ी दिखाई दे रही होगी, वो भगवान शिव का मंदिर दिखाई दे रहा होगा जिसमें आज वृक्षों ने अपना घर बना लिया है। तो आइए हम इस बावड़ी की बनावट को देखते हैं और फिर इसके इतिहास को जानते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ कक्ष वगैरह बने हुए हैं जो शायद उस समय रानियों के वस्त्र वगैरह चेंज करने के लिए बनाए गए थे, और कुछ सैनिक वगैरह भी यहाँ पर रुका करते थे। ये सीढ़ियाँ हैं बावड़ी में नीचे जाने के लिए। आइए, यहाँ पर आप आओगे तो कुछ दानाल वगैरह जैसे कक्ष बने हुए काफी लंबे, तो इन कक्षों में उस समय रानियां और दासियां कपड़े बदल कर स्नान करने के लिए इस बावड़ी में जाया करती थी। आइए,
यहाँ पर अभी इसका कार वगैरह चल रहा है तो थोड़ी टूट फूट भी नजर आ रही है। ये सीक्रेट कमरों से सीधी सीढ़ियां आई हुई थी बावड़ी के लिए, और यहाँ पर हमें एक और दानाल देखने को मिलेगी जो दो परतों, जो दो खंडों में बनी हुई है, एक उस तरफ एक इस तरफ। तो ये जो दानालें बनाई जाती थी उस समय, ये कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए इसलिए बनाई जाती थी कि कभी कभी बावड़ी का जो जल स्तर है ऊपर हो जाता था, तो यहाँ से नहाने की भी सुविधा की गई है। आइए, यहाँ से कुछ सीढ़ियां वगैरह भी लगी हुई हैं जो सीधे हमें इस बावड़ी के अंदर ले जाएंगी। जब इसका जल स्तर यहाँ तक हुआ करता था तो रानियां यहीं पर नहाया करती थी, और जल स्तर कम होने पर इसके नीचे भी सीढ़ियां जाने के लिए बनी हुई हैं। तो यहाँ से एक सुरंग भी गई हुई है जो सीधे महल में पहुंचाएगी, और रानियां कभी कभी महल से सीधे सुरंग के माध्यम से भी यहाँ आया करती थी। आ जाइए, पहले हम उस सुरंग को देखते हैं, फिर हम मंदिर के लिए जो रास्ता बनाया गया था उसे देखेंगे। तो यहाँ पर अब आपको बावड़ी की गहराई का मालूम लग रहा होगा कि कितनी गहरी बावड़ी और कितने बड़े आकार में उस समय ये फैली हुई थी, और एक समय इसमें पानी लबालब भरा रहा करता था। कहाँ से भरा रहा करता था, निशान आज भी मौजूद है जिन्हें आप देख सकते हो। यहाँ पर जो सामने आप एक रास्ता देख रहे हो, ये वही सीक्रेट रास्ता है जहाँ से रानियाँ सीधे किले से यहाँ पर स्नान करने के लिए आती थी, जिसे आज वर्तमान में बंद कर दिया गया है। इधर आइए, तो अब मैं वो मंदिर का उस समय का प्राचीन रास्ता आपको दिखाने वाला हूँ। ऊपर के खंड जो कमरे वगैरह देखोगे तो उनमें सैनिक वगैरह और दासियाँ रहा करती थी, यानी कि सैनिक वगैरह रहने के लिए ये सारे कमरे ऊपर बने हुए हैं। आइए, यहाँ से हमें सीढ़ियों के माध्यम से पहले थोड़ी ऊंचाई पर जाना होगा, या फिर यहाँ से निकलते हैं और हम मंदिर को दिखाना चाहेंगे आपको। बताया जाता है कि एक समय ये जो जगह है ये सबसे सुरक्षित जगह हुआ करती थी। इसके इतिहास को भी जानेंगे, पहले मंदिर को देखते हैं। तो रानियां जब इस बावड़ी में स्नान कर लेती थी, तो स्नान करने के बाद, इन सीढ़ियों को पार करने के बाद, सीधे इसी रास्ते से इस मंदिर में भगवान शिव को जल अर्पित करने के लिए जाया करती थी। यानी कि 400 वर्ष पहले भी जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनकी भगवान में काफ़ी आस्था थी, और वो भी हर एक किले महल में बावड़ी के पास में ही भगवान शिव के मंदिरों को बनवाया करते थे, ऐसा अधिकांश हमने देखा है। यहाँ पर आइए, तो यहाँ पर आप देखोगे उस समय के इस मंदिर की बनावट काफ़ी सुंदर जो आज दिख रही है। दोनों तरफ दिए वगैरह रखने के लिए जगह बनाई हुई है। यहाँ पर देखोगे तो एक समय यहाँ पर भगवान शिव की शिवलिंग हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में कई आक्रांताओं ने यहाँ पर चढ़ाई की तो इस बावड़ी को भी काफ़ी नुकसान पहुँचाया। इसकी देखिए सारी जो बनावट है काफ़ी सुंदर है, आज यहाँ पर भगवान शिव की प्रतिमा हमें देखने को नहीं मिलती है, लेकिन एक समय यहाँ पर भगवान शिव की प्रतिमा हुआ करती थी इस बावड़ी के बीचों बीच में, और चारों तरफ पानी भरा रहा करता था। रानियाँ सीधे स्नान करके सर्वप्रथम भगवान शिव को जल अर्पित किया करती थीं, उसके बाद ही यहाँ से राजमहल में जाया करती थीं। आइए अब जानते हैं इसके इतिहास के बारे में कुछ विशेष जानकारी। दोस्तों, इस बावड़ी का निर्माण महाराजा विक्रमादित्य सिंह जी ने 1783 ईस्वी के किले के निर्माण के कुछ समय बाद करवाया था, जो कि इस बावड़ी का निर्माण सिर्फ उन्होंने इसलिए करवाया था ताकि जो रानियां हुआ करती थीं वो इस बावड़ी में स्नान कर सकें और भगवान शिव को जल अर्पित कर सकें। ये धरा है वीरों की, ये भूमि और ये विरासतें हैं राजा रजवाड़ों की, जो आज भी राजा रजवाड़ों की कई किस्से कहानियां हमें सुनाती हैं। आज भी इन दीवारों में राजा महाराजाओं की वीरता के किस्से छुपे पड़े हुए हैं। ये वीरान विरासतें आज कई रहस्य अपने अंदर समेटे हुए हैं। एक समय यहाँ की जो खूबसूरती हुआ करती थी वह देखने लायक हुआ करती थी, पर उस समय जो शत्रु सैनिक हुआ करते थे उनको इसी जेल में बंद कर दिया जाता था। आज भी इस किले में वो जेल वगैरह देखने को मिलती है।
तो ये उस समय की जेल है और कुछ सीढ़ियां पार करने के बाद हम किले के अंदर एंट्री लेंगे। ये सारे जेल के कक्ष हैं जिनमें आज भी ताले लगे हुए हैं। अब हम यहां पर आए हैं तो यहां से कुछ जो सैनिकों के कक्ष बने हुए हैं, इस बड़े गेट को राजा महाराजाओं के लिए खोला जाता था, छोटे गेट को सैनिकों के लिए खोला जाता था। तो हम इस छोटे से गेट से किले के अंदर एंट्री लेते हैं। हम इसके इतिहास को भी जानेंगे जो बेहद खास है, उसके पहले इसकी बनावट देखते हैं। दोनों तरफ उस समय सैनिक बैठा रहा करते थे और यहीं से सीढ़ियां गई हुई हैं इसके तीसरे से चौथे माले तक सुरक्षा कर्मियों के जाने के लिए। यहाँ पर जैसे ही हम आएंगे तो उस समय का यानी कि 300 से 400 वर्ष पुराना वृक्ष ये अशोक का पेड़ हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर काफी सारे सीक्रेट्स कमरे बने हुए हैं और इन कमरों के अंदर एक ऐसा रहस्यमय मौत का कुआ बना हुआ है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस तरह की सुरक्षा किसी भी किले में शायद हमें देखने को नहीं मिलती है। अभी जिस रहस्यमय और मौत के कुएं को हम दिखाने वाले हैं उसे देखकर आप लोग हैरान हो जाओगे। सबसे पहले इन तीन छोटे छोटे दरवाजों को हम पार करेंगे और उसके बाद हम इस दानाल में पहुंचेंगे। और इस दानाल में उस समय जब कोई भी शत्रु यहां पर चढ़ाई किया करते थे किले के अंदर, तो ये जो गेट आपको दिखाई दे रहा है, ये जो सीढ़ियां, इनको बंद कर दिया जाता था और शत्रु सीधा इसी कमरे में आते थे और इस कमरे से अंदर जाने की कोशिश करती थी। तो यहाँ पर कुछ दूरी पर यहाँ आइए तो कमरों के बीचों बीच में एक इतना गहरा कुआं बना हुआ है जिसमें शत्रु सैनिक गिर जाया करते थे और उनकी मौत हो जाया करती थी। अभी तो दीवारें लगा दी गई है क्योंकि कई लोग कमरे समझकर इसके अंदर चले जाते थे और कुएं में गिर जाती थी। यहाँ आइए तो यहाँ पर आप देखोगे जो इतना गहरा कुआं है कि इसकी गहराई का पता लगाना मुश्किल है। ऊपर इसमें रोशनी के लिए छोटा सा हॉल भी बना हुआ है जो आप देख सकते हो। यहाँ पर दोनों तरफ ये जो पत्थर में हॉल दिखाई दे रहे हैं, उस समय यहाँ पर मसाले लगाया जाया करती थी रात्रि के समय, और इस किले के लिए ये पानी भी उपलब्ध कराता था। और मुश्किल समय में ये इस किले के जो शत्रु हुआ करते थे, जो शत्रु सैनिकों को मौत के घाट भी उतार देता था। ऐसा रहस्यमय कमरे के बीचों बीच में कुआं हमें किसी भी किले महल में देखने को नहीं मिला है। इसके अंदर कुछ और भी कमरे हैं जिनको हम बारी बारी से कवर करेंगे। पहले चलते हैं हम इस किले के ऊपर वाले हिस्से में। तो यहाँ पर हम किले की कुछ ऊंचाई पर आ चुके हैं और काफी सारे कक्ष ही कक्ष आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो हम इस किले की और भी सारी जगहों को घूमेंगे क्योंकि किला काफी बड़ा है। उसके पहले हम इसके इतिहास को जान लेते हैं। एक समय हुआ करता था यानी कि 16 से 17वीं शताब्दी का, उस समय इस पूरे बुंदेलखंड पर बुंदेलों का शासन हुआ करता था और बुंदेलों की जो राजधानी हुआ करती थी वो थी ओरछा। तो जब 17वीं शताब्दी का समय आया तब मराठों का यहाँ पर लूटपाट करने का इतना आतंक बढ़ गया कि हर एक राजा उस चिंता में था कि मराठा कब उनके ऊपर आक्रमण कर दे और लूटपाट मचा दे। जब मराठों की लूटपाट का समय चल रहा था तब ओरछा की जो राजधानी के राजा थे वो थे महाराजा विक्रमादित्य सिंह बुंदेला। तब उन्होंने मराठों की लूटपाट से परेशान होकर अपनी जो राजधानी है ओरछा से टीकमगढ़ स्थानांतरित कर दी और टीकमगढ़ में रहते हुए उन्होंने इस बलदेवगढ़ किले का निर्माण किया। यानी कि पहले इसे बांध गांव कहा जाता था लेकिन यहां पर बलदाव जी का एक बहुत ही पुराना मंदिर बना हुआ है तो बलदाव जी के नाम पर इस किले का नाम और इस नगर का नाम बलदेवगढ़ रख दिया गया। तो यहां पर राजा ने इस 83 से 84 किलोमीटर में फैले इस किले का निर्माण सिर्फ इसलिए कराया था ताकि उनकी सेना यहाँ पर रह सके, शस्त्र अस्त्र की विद्या सीख सके। तो यहाँ पर जो लड़ाई में जैसे युद्ध वगैरह में तलवार गोला बारूद की जरूरत हुआ करती थी तो उसका भंडारण यहाँ पर था। यानी कि सैन्य और गोला बारूद के भंडारण के लिए इस 83 से 84 एकड़
में फैले हुए किले का निर्माण करवाया महाराजा विक्रमादित्य सिंह जी ने। तो इस किले को हमेशा सैन्य सुरक्षा के लिए एक बहुत ही मजबूत किला माना गया, कोई भी इसे जीत नहीं पाया, इसे सबसे मजबूत किला भी कह सकते हो। लेकिन इसकी पहचान उस समय चारों ओर पूरे भारत में फैल गई जब यहाँ की एक तोप ने एक ऐसा कारनामा कर दिया जिसके बाद लोग इस किले का नाम अपनी जुबान पर लेने से मजबूर हो जाते हैं। यहाँ पर एक तोप बनाई गई, राजा का यहाँ पर जब अस्त्र शस्त्र का भंडारण था तो तोपों को अभी बनावट यहाँ पर हो रही थी, तो तोपें भी यहाँ पर बनाई जा रही थी। यहाँ पर कई सारी तोपें हैं वैसे तो, लेकिन एक तोप यहाँ पर बनाई गई जिस तोप को सिर्फ एक ही बार चलाया गया। और जब वो तोप चली तो आसपास की 36 किलोमीटर तक जो भी औरतें गर्भवती थी उनके गर्भ गिर गए थे। उसके बाद उसे जीवन में कभी भी नहीं चलाया गया और उस तोप का नाम पड़ गया गर्भ गिरावन तोप, जो इतनी खतरनाक तोप है कि उस तोप की वजह से ये किला और वो तोप पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गई। आज भी जब रौब जमाने की बात आती है तो लोग कहते हैं कि तुम क्या बलदेवगढ़ की तोप हो। उस तोप को भी अभी हम आपको दिखाने वाले हैं वीडियो के अंत में, फिलहाल में हम इस किले को देखते हैं। यहाँ पर ये सारे सैनिकों के रुकने के लिए कक्ष वगैरह बने हुए हैं और अब हम इसके कुछ दूसरे पार्ट्स को देखते हैं। यहाँ पर देखोगे तो ये गेट उस समय रहा करता था जबकि इसके कक्ष आपको भारी मात्रा में दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि सेना राजा की बहुत बड़ी थी। बुंदेलखंड के उस समय जो विक्रमादित्य सिंह जी थे सबसे बड़े राजा थे, तो उन्होंने जब राजधानी ट्रांसफर की तो सारी सेना भी इसी किले में रुका करती थी। मुश्किल समय में वो सुरंगों के माध्यम से इस किले में आया भी करती थी। आइए यहाँ पर ये सारे सैनिकों के रुकने के लिए कक्ष वगैरह बने हुए हैं दोनों तरफ और हर जगह सिक्योरिटी पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा। कुछ कक्ष इसके टूट भी चुके हैं क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है और देखरेख का भी थोड़ा कुछ समय पहले अभाव रहा, फिलहाल में अभी इसकी देखरेख काफ़ी हो रही है। यहाँ से मैं आपको इसकी सुरक्षा दिखाना चाहता हूँ। सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर हम चलते हैं और इसके इस तरफ जो सिक्योरिटी पॉइंट थी वो थी ये बहुत ही खतरनाक पहाड़ी जिस पर सैनिकों की टुकड़ियाँ बैठने के लिए थोड़ी थोड़ी सी छोटी छोटी सी चौकियाँ भी बनी हुई हैं जो आप देख सकते हो। यहाँ पर देखोगे तो काफ़ी बड़े भूभाग में यानी कि 84 एकड़ में ये किला बनाया गया था। जगह जगह पर सैनिकों के खड़े होने के लिए बुर्ज भी दिखाई दे रहे होंगे आपको और इस तरफ काफ़ी लंबी दूरी पर ये किला आपको दिखाई दे रहा होगा, तालाब वगैरह भी दिखाई दे रहे होंगे। और तालाब के बीचों बीच में जो मंदिर बना हुआ है वो बेहद ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। सामने आप देख रहे हो काफ़ी बड़ी एक तोप आपको डली हुई दिखाई दे रही होगी, वही है गर्भ गिरावन तोप जिसके पास अभी हम जरूर जाएंगे क्योंकि ये भारत की सबसे खतरनाक तोप आप इसे कह लीजिए। उस तरफ भी कुछ आला का अखाड़ा वगैरह है जो आपको दिखाई दे रहा है। बताया जाता है कि एक समय आला यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर उन्होंने कुश्ती की थी, तब से यहाँ पर कुश्ती वगैरह पहलवान लोग करते हैं हर साल, इसीलिए उसे आला का अखाड़ा या आला का मुंडा कहा जाता है। ये सारा कुछ एरिया डला हुआ है तो ये सैनिकों का महल था यानी कि अस्त्र शस्त्र के लिए, तो कुछ इस प्रकार से इसकी बनावट है। सारा असला बारूद के लिए, सैनिकों के रुकने के लिए जगह जगह कक्ष और काफ़ी सारे गुंबद दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर देखोगे तो ये भी एक इमारत बनी हुई है सैनिकों के लिए यानी सेनापति महल इसे कह सकते हो। और उस तरफ जो गुंबद छत पे दिखाई दे रहे हैं यहाँ से आप इनकी गिनती लगाओगे तो आपको 2 नज़र आ रहे होंगे, पास में जाओगे तो आपको ये 8 नज़र आएंगे, आप नीचे से देखोगे तो 3 नज़र आएंगे, उस तरफ से देखोगे तो 4 नज़र आएंगे। यानी कि ये बहुत बड़ा रहस्य था इन गुंबदों में, हर बार इनकी गिनती अलग आती है, पता नहीं क्या रहस्य इसमें छुपा हुआ है। तो ये तो देखा यहाँ से हमने अभी इस पूरे फोर्ट को, लेकिन अब हम अपने कदम उस तोप को देखने के लिए
बढ़ा रहे हैं, जिस तोप का नाम हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। आखिरकार वो तोप कैसी होगी, आज हमें जानकर ही रहेंगे। चलिए चलते हैं अब सीधे उसी तोप को देखने के लिए। जैसे ही किले के इस गेट से हम अंदर आते हैं तो हमें यहाँ पर दिखाई देती है भवानी शंकर तोप, जो काफी बड़ी लंबाई में दिखाई दे रही है और अष्ट धातुओं से बनी हुई है। तो यहाँ पर भवानी शंकर तोप रखी हुई है और पास ही में बना हुआ है उस समय का बलदाव जी का मंदिर। यानी कि ये जो बलदाव जी का मंदिर है, ये राजा विक्रमादित्य सिंह जी ने महल के निर्माण के समय ही बनवाया था। और इसी बलदाव जी के मंदिर के नाम पर इस बंधा गांव को बलदेवगढ़ का नाम दिया गया और इस किले को बलदेवगढ़ का नाम दिया गया। चलिए हम दर्शन करते हैं। यहाँ पर ये मंदिर का दरवाजा है और इस तरफ लगा हुआ है ग्वाल सागर, और ये भगवान श्री बलदाव जी का मंदिर हमें देखने को मिलेगा। उसी समय का ये 400 वर्ष पुराना गेट भी देखने को मिलेगा। आइए, ये है बलदाव जी का मंदिर और लिखा भी हुआ है, और इसी मंदिर के नाम पर इस नगर का नाम बलदेवगढ़ पड़ा और राजा ने इस किले का नाम भी बलदेवगढ़ रख दिया, वरना एक समय ये बंधा के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर आप देखोगे तो हम किले के पीछे आ चुके हैं, तो काफी सारे बुर्ज और एक खतरनाक पहाड़ी आपको दिखाई दे रही होगी, जो इस किले पर चढ़ने वाले शत्रुओं को बहुत ही परेशान कर दिया करती थी। इसी वजह से कोई भी इस किले को जीत नहीं पाया। और यहीं पर रखी हुई है वो खतरनाक तोप, गर्भगिरावन तोप। आइए, यहाँ पर आप देखोगे तो जो गोला बारूद हुआ करता था, जो चूना वगैरह हुआ करता था, तो उसको पीसा जाता था इस गोल गोल आकार में। इसी में चूना पत्थर को पीस पीस कर इस किले का निर्माण किया गया था, जो आज भी बना हुआ है। और कुछ ही दूरी पर रखी हुई है वो खतरनाक तोप, जिसके नाम से ही लोग डर जाते हैं। और आ चुके हैं उस खतरनाक तोप के पास, जिसको गर्भगिरावन तोप बोला जाता है। ये देखिए कितने बड़े आकार में ये तोप है, आप देख सकते हो, शायद ऐसी तोप हमने कहीं नहीं देखी। इसके अंदर अगर मैं चाहूं तो आसानी से अंदर भी जा सकता हूं। इसी से अंदाजा लगाना कि गोला कितना बड़ा हुआ करता होगा। ये देखिए मैं इसके अंदर जा रहा हूं, ये देखिए आसानी से मैं भी जा सकता हूं और एक और व्यक्ति भी जा सकता है, ये देखिए। तो इस प्रकार से इतनी बड़ी तोप ये है, तो कितना बड़ा गोला रहा करता होगा। जब ये तोप चली थी तो राजा को मालूम नहीं था कि इस तोप की गर्जना इतनी भयंकर होगी। यहाँ से जब इसमें गोला डालकर और यहाँ से जब इसमें आग डाली गई, तो जब ये तोप चली तो आसपास के 36 किलोमीटर की चारों तरफ की एरिए में जितनी भी महिलाएं गर्भवती थीं, उनके गर्भ गिर गए, जिसके बाद राजा को बड़ा दुख हुआ। उसके बाद इसका नाम गर्भगिरावन तोप रखा गया और फिर राजा ने इसको दोबारा नहीं चलाया। तो ये है गर्भगिरावन तोप, जिसकी बनावट से आप देखिए कितनी बड़ी, इसका जो आकार है आप देख सकते हो काफी मोटाई है, और लगभग इसमें दो लोग भी आराम से जा सकते हैं। जैसे कि हम इसके अंदर जा रहे हैं और हमारे साथ हमारे मित्र हैं, हम दोनों इसके अंदर जाकर आपको बताते हैं। आइए यहाँ पर महाराज जी। ये देखिए इस तोप के अंदर दो लोग आसानी से जा सकते हैं। महाराज जी आइए, ये देखिए यहाँ पर मैं गया, यहाँ पर हमारे महाराज जी भी इस तोप के अंदर जा रहे हैं। यानी कि इतनी बड़ी ये तोप है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना बड़ा गोला इसमें लगा रहा करता होगा। ये वो तोप है जो मात्र एक बार चलने से लोगों की जुबान पर इसका नाम अक्सर आ जाता है। जब भी कोई रौब जमाने की बात होती है तो अक्सर लोग बोल जाते हैं कि क्या तुम बलदेवगढ़ की तोप हो। तो ये है बलदेवगढ़ की तोप, जो आज आपने बखूबी देख ली है।
इसकी बनावट से ही आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये कितनी खतरनाक तोप है। तो दोस्तों, आज हमने आपको दिखाई भारत की वो तोप जिसे मात्र एक बार चली और पूरे 36 किलोमीटर में हाहाकार मचा दिया और सदियों के लिए अपनी पहचान बना ली। मैं फिर से एक और ऐतिहासिक विरासत पर आपको मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।